श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशो अध्याय। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। जिस नियत कर्म को बिना किए न सुख न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है, इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या न करूं, इसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं। गीता स्वयं शास्त्र है, अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहां इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा न ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। श्री भगवान वाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहां पर भी है कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वो श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसे तुम मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा अविरल है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। प्रायः लोग पूछते हैं, मैं कौन हूं?
कोई कहता है मैं तो आत्मा हूं, किंतु नहीं, यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वो दृष्टा है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा से ओतप्रो, कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित अर्थात कल्पित क्रियाएं रचकर तप तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों अर्थात अचेतों को निश्चय हेतु असुर जान, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न पूरा हुआ। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु अर्जुन, शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा? अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। इस पर परम योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तू मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारित्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला, बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है, वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहाराराजसत्येषा दुःखशोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामीध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन एक प्रहर अर्थात तीन घंटे से अधिक पहले का बना हुआ है, गत रसम, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट अर्थात जूठा और अपवित्र भी है, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रस्तुत है यज्ञ। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य ईज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ विधि दृष्ट शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है, जैसा पीछे अध्याय तीन में यज्ञ का नाम लिया, अध्याय चार में यज्ञ का स्वरूप बताया कि बहुत से योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं, प्राण अपान की गति निरोध कर प्राणों की गति स्थिर कर लेते हैं, संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 14 सोपान बताए, जो सब के सब ब्रह्म तक की दूरी तय करा देने वाली एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। संक्षेप में यज्ञ चिंतन विशेष की प्रक्रिया का चित्र है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया है। उसी शास्त्र विधान पर पुनः बल देते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए
जिसे करना ही कर्तव्य है, तथा जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दम्भाचरण के लिए ही हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो, उसे राजस यज्ञ जान। ये कर्ता यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दम्भाचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे। ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः राजसी है। अब तामस यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न अर्थात परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, मन को अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात सर्वस्व के समर्पण से रहित है, तथा जो श्रद्धा रहित है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। अब प्रस्तुत है तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसाच शारीरम तप उच्यते। परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है, इसे अंतःकरण की उपर्युक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उद्वेग न पैदा करने वाला प्रिय हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम जप, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती रहती है, इसे उस ओर से समेट कर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप देखें। मन प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों अर्थात शरीर वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है।
श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधम् नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते। फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। सत्कारमान पूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वो अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदार्हितम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है वो तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है किंतु दंभ मान सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामसी तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मितम्। दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से जो दान देश अर्थात स्थान काल अर्थात समयानुकूल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है वो दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक अर्थात जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है तथा प्रत्युपकार की भावना से ये करूंगा तो ये मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वो दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है वो दान तामस कहा गया है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो
कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। लेकिन है दान ही, किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है और वो है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है। मय्येव मन आधत्स्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत् का स्वरूप। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ओम तत् और सत् ऐसा तीन प्रकार का नाम ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पुरा, पूर्व में अर्थात आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं, अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है, जन्मना नहीं, ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है। तस्मादो मित्युदादित्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम को उच्चारण करके ही की जाते हैं, जिसमें उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात वो, अर्थात परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है, अर्थात जब तो ओम का कीजिए, यज्ञ दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि च
तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया था कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वो कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वो असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं? तो बताया। ये आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशमान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है, यही परम सत्य है। सत ऐसे परमात्मा का ये नाम सद्भावे सत्य के प्रति और साधुभाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब कर्म सांगो पांग भली प्रकार होने लगे तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ ये नहीं है कि ये वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है, ये सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। सद्भाव में आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो, और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वहीं सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञे तपसिदानि च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् तदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वो भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थीयम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ दान तप तो इस कर्म के पूरक है। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वो ना तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना सेवा और अंतःकरण से अहिंसा ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है, और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजसी तप में
कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामसी तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र का विचार करके श्रद्धापूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजसी है और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामसी है। ओम तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वो परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वो कर्म होता है और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है, सत के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है, किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्मों में ही। श्रद्धा अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।